हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। हमने अपनी लास्ट 3 वीडियोस में IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे PBR यानी प्लांट ब्रीडर्स राइट। ये भी एक तरह का IPR ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि ये किसी जो प्लांट ब्रीडर जो न्यू वैरायटी कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाता है उसके अगेंस्ट जो राइट दिया जाता है उसको कहते हैं प्लांट ब्रीडर राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रीडर को राइट दिया जाता है कि वो प्रोड्यूस करे, सेल करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे अपनी प्रोटेक्टेड वैरायटी को। और इस ये इंक्लूड क्या क्या करता है, जैसे कोई ट्री, कोई फ्लावर, कोई श्रब, कोई भी एल्गे या फंजाई, ये सब PBR में इंक्लूड होते हैं। इसके अगेंस्ट राइट दिए जा सकते हैं। ठीक है, इन वैराइटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है PBR के थ्रू। अब ये जो हम न्यू वैरायटी बनाते हैं ये डस करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी चाहिए। डस मतलब DUS मतलब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो वैरायटी है जब हम एक बार रजिस्टर कर देते हैं प्लांट ब्रीडर राइट में तो ये लास्ट होती है 20 इयर्स के लिए मोस्ट प्लांट स्पीशीज़ के लिए और 25 इयर्स के लिए ट्रीज़ के लिए। ये तो हमारा हो गया व्हाट इज़ PBR। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट्स। अब PBR के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या फुलफिल करनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स। एक तो जो हमारा मटेरियल है वैरायटी का वो मार्केट में नहीं सोल्ड होना चाहिए, मतलब वो न्यू होना चाहिए। आप पहले से अगर उसको सेल कर रहे हो प्रोटेक्ट करने से पहले तो फिर उसके अगेंस्ट राइट नहीं होता। जब आप प्रोटेक्ट कर लोगे उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, और ये वैरायटी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है, जो हमारी वैरायटी है वो स्टेबल होनी चाहिए विथ कंसिस्टेंट फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक्स। अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है तो वो जो वैरायटी है वो स्टेबल होनी चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, सेल कर सकते हैं हम प्लांट मटेरियल को, हमारे पास ये जो राइट है इसको भी हम सेल कर सकते हैं किसी अनदर पार्टी को। फोर्थ पॉइंट है, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्लांट मटेरियल को। ये तो हो गए बेनिफिट्स। ठीक है, ये जो प्लांट ब्रीडर राइट प्रोग्राम होता है ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में अंडर प्लांट वैरायटी राइट एक्ट PVR के नेम से पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था और फिर बाद में इसको PBR एक्ट बोला गया 1994। ठीक है, अब वाई PBR, व्हाट अब वाई मींस व्हाट इज़ द एडवांटेज, इसका PBR का क्या एडवांटेज है, PBR देने की क्या ज़रूरत है हमें। तो जैसे हम IPR में भी बात करते हैं ताकि वो मोटिवेट करे दूसरों को कि वो और न्यू वैरायटीज, न्यू इन्वेंशंस करें, तो यही रोल PBR में भी है। ये अलाउ करता है ब्रीडर्स को कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका उन्हें रिटर्न भी मिले। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये ब्रीडर्स के वर्क को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट हो गया, ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज। फोर्थ पॉइंट हो गया, ये जो सीड इंडस्ट्री है उस की फास्ट डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो अगर राइट मिलेगा तो ऑब्वियस है हर कोई इस फील्ड में आना चाहेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो इसकी वजह से हर कोई चाहेगा कि हमारी वैरायटी अच्छी हो ताकि हमें राइट मिल जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, है ना, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये 5 हो गए इसके एडवांटेजेस। अब लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। देखो एक बंदे ने तो अपना वो प्रोटेक्ट कर लिया राइट, अब वो वही वैरायटी प्रोड्यूस करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा जेनेटिक वेरिएबिलिटी में, नंबर 1 पॉइंट।
सेकंड पॉइंट हो गया कि अब जब उसने वैरायटी प्रोड्यूस कर ली तो वो उसके प्राइजेस के आपको तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो वो उसके प्राइजेस इंक्रीज़ कर देगा, तो इंक्रीज़ इन प्राइस हो गया डिसएडवांटेज, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो गया कि ये मोनोपोली प्रमोट करेगा। तो ये था पीबीआर का डिस्कशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।